नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आई नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के सवालों के दिए जवाब, इस वक्त कई मुद्दों पर दी प्रतिक्रिया। वर्धा में लोक अदालत में 13 अगस्त को निपटाए जाएंगे मामले, बीडी देशमुख ने दी मीडिया को जानकारी। और राजू परवे द्वारा ठाकरे परिवार को 4 लाख रुपए का चेक, बिजली गिरने से राज रामलाल ठाकरे का हुआ था निधन। अब खबरें विस्तार से। नागपुर में आज उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जोरदार स्वागत किया गया और भव्य रैली का भी आयोजन किया गया था। इसके बाद प्रेस क्लब में पत्रकार परिषद का आयोजन भी किया गया, जहां देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस वक्त ये भी कहा कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी जी को चाय वाला कहा था, लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस को ऐसा पानी पिलाया है कि आज उनकी अवस्था क्या है ये आप देख ही रहे हैं। ऐसा है कि खरतर काँग्रेस पक्षाने देखील मोदीजींना चायवाला म्हणून हिणवलं, पण ज्याला चायवाला म्हणून हिणवलं त्यांनी यांच्यावर पाणी पिण्याची वेळ आणली। मोदीजींनी त्यांना असं पाणी पाजलं की आज त्यांच्या पक्षाची अवस्था काय आहे हे तुम्ही बघताय। आणि जर आम्ही रिक्षेवाले असू तर आम्हाला अभिमान आहे, आम्ही पानटपरीवाले असू आम्हाला अभिमान आहे, आम्ही चहाटपरीवाले असू आम्हाला अभिमान आहे, आम्ही रस्त्यावरचे विक्रेते असू आम्हाला अभिमान आहे। कारण या देशामध्ये स्वाभिमानाने जो जगतो, सोन्याचा चमचा घेऊन जे लोक पैदा होतात आणि ज्यांना असं वाटतं की राज्य करणं आमचाच अधिकार आहे, त्यांनी हे समजून घ्यावं। मोदीजींच्या या दौरमध्ये सामान्य माणूसच राजा होणार आहे, सामान्य माणूसच सेवा करणार। मनकापूर पुलिस थाना अंतर्गत कलमेश्वर में रहने वाली एक महिला शादियों में घुसकर पर्स और मोबाइल की चोरी करती थी। जब विकास हॉल की एक शादी में चोरी हुई तो पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया, तब महिला चोरी करती हुई दिखाई दी। पुलिस ने जांच कर इस महिला को गिरफ्तार किया है। महिला अच्छे घर की बताई जा रही है, जबकि चोरी के पीछे की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। एक नॉर्मल सी आदेश की लेडी है, वो शादी में जैसे लेडीज़ बाकी लेडीज़ साड़ियाँ पहन के जाती है, जरी काट वाली या काट पदर वाली ऐसे साड़ी पहन के जाती थी। और नॉर्मली सभी जो शादी में एक ये मेम्बर बैठे रहते उसमें जाके बैठती थी वो, और धीरे से पर्स उठा के भागती थी, मतलब लेके जाती थी साड़ी के पीछे छुपा के। तो ऐसे ही हमको पता चला, हमने कैमराज वगैरह चेक किए तो एक लेडी की पर्स गई, उसमें मोबाइल था और कुछ पैसे थे, और पर्स भी अच्छी मतलब महंगी थी। तो हमने जब कैमरा वगैरह चेक किया तो एक ओल्ड एज लेडीज मतलब आधी उम्र की, वो ऐसी कुर्सी पे बैठती है और धीरे से पर्स उठा के बाहर निकलते हुए देखी। जब कहाँ की घटना है ये? विकास भवन की। उसको दो बेटियां भी है, एक बेटी मतलब बेटी की डिलीवरी हुई है, और ओल्ड एज लेडी थी, मतलब कोई भी डाउट नहीं करेगा, और अच्छे घर की भी थी, मतलब जो नॉर्मल फैमिली है तो वो फैमिली में से वो बिलोंग करती थी। महिला कहाँ की? कड़मेश्वर फेट्रिक से आगे एक गांव है उसका, वहाँ की है। कुछ उन्होंने ओपन नहीं किया, बर्डी में वगैरह जाके किसी को भी छोटा सा मोबाइल जो मतलब जो भी मोबाइल है वो बेच देती थी राह चलते किसी भी आदमी को। अगर वो 10,000 का मोबाइल है तो 1,000-2,000 में भी वो बेच के अपने गांव निकल जाती थी सिटी बस से, पता नहीं। लेकिन उसके जब बाकी फैमिली मेम्बर उसको पूछा तो ये इसकी आदत ही है ऐसा वो बोलते थे, मतलब क्या मजबूरी है वो नहीं पता, लेकिन शायद उसको उससे आनंद मिलता होगा या फिर आके वो इस टाइप का क्राइम। सभी महिलाओं को तो यही ये है, निवेदन है कि वो जब भी शादी में जाती है अपना पर्स मोबाइल
वो अच्छे से संभाले, किसी भी आजू बाजू में कोई भी अपने पास कौन बैठा है, क्या बैठा है, उसके बारे में अवेयर रहे, और कीमती जो चीज़ें हैं वो पर्स में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A की आपूर्ति 2023 से शुरू करेगा और 2027 तक पूरे 83 विमान वायुसेना को मिल जाएंगे। इनमें 73 तेजस MK-1A लड़ाकू, 10 ट्रेनर विमान होंगे। इसी तरह पहले अनुबंधित किए गए 40 तेजस MK-1 विमानों की भी आपूर्ति 2023 के मध्य तक पूरी की जाएगी। भारतीय वायुसेना को कुल 40 अनुबंधित तेजस MK-1 विमानों में से 25 मिल चुके हैं। 11 अन्य ट्रेनर विमानों के पहले लॉट की आपूर्ति अगले साल मार्च तक होने की उम्मीद है। शेष 4 विमानों की आपूर्ति 2023 के मध्य तक वायुसेना को की जानी है। उन्होंने स्वीकार किया कि मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों का बेड़ा 31 स्क्वाड्रन से नीचे है, इसलिए मेक इन इंडिया पहल के तहत स्क्वाड्रन बढ़ाने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जा रहे हैं। वायुसेना चरणबद्ध तरीके से LCA वेरिएंट, MRFA और AMCA के माध्यम से स्क्वाड्रन की कमी पूरी करने के प्रयास में है। जिला विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करता है। इस पहल के साथ 13 अगस्त 2022 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी देने के लिए जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव VD देशमुख ने एक संवाददाता सम्मेलन में मीडिया से बात की। जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव VD देशमुख ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेशनल लोक अदालत में पार्टियों को अपना मामला पेश करने का अवसर मिलता है और दोनों पक्षों द्वारा समझौता पार्टियों की आपसी सहमति से होता है, इसलिए दोनों पक्ष नेशनल पीपुल्स कोर्ट में हुए समझौते से संतुष्ट है। इसलिए पक्षों को निपटाने के लिए 13 अगस्त को नेशनल लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामले दर्ज करने चाहिए। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव VD देशमुख ने अपील की। सेवा प्राधिकरण मार्फत विविध कायदेशीर जन जागृती शिबिरांचे आयोजन केले जाते, त्यामध्ये माननीय उच्च न्यायालय व राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या मार्फत दर महिन्याला जो सर्वसामान्य म्हणजे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम झाला असतो त्यामार्फत वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले, जसे पर्यावरण दिन आहे, योगा दिन आहे, योगा दिवस आहे, अशा अनेक कार्यक्रमांचं आपण आयोजन करत असतो। तसेच राष्ट्रीय लोक अदालतीचं आयोजनसुद्धा केलं जातं। येणाऱ्या 13 ऑगस्टला राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे, त्यामध्ये न्यायालयामध्ये प्रलंबित प्रकरणे तसेच पूर्व दाखल प्रकरणे अशी आपण त्यामध्ये ठेवत असतो। पूर्व दाखल प्रकरणांमध्ये विशेषतः ग्रामपंचायत असेल, नगर परिषद असेल किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था, यामध्ये ज्या लोकांनी पाणी देयक किंवा पाणीपट्टी भरणा केलेली नाही आहे, मालमत्ता कर भरलेला नाही आहे, तर अशा लोकांना लोक अदालतच्या संदर्भ दरम्याने सूचना पाठवली जाते आणि त्यामध्ये जर उभय पक्षांमध्ये तडजोड झाली तर ती रक्कम ती नगर परिषद किंवा ग्रामपंचायतींना भरणा करून ते प्रकरण न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वीच त्याचा समझोता केला जातो। तसेच आपल्याला माहिती आहे की मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रकरणे दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाची न्यायालयामध्ये प्रलंबित असतात। न्यायाधीशांनी किती आणि वकिलांनी मेहनत केली तरी सर्व प्रकरणांचा काही निपटारा होत नाही, तरी परंतु जी तडजोड पात्र प्रकरणे फौजदारी प्रक्रियासंहिता कलम 320 असो किंवा दिवाणी प्रकरणे जी आपण तडजोडीसाठी ठेवतो ती प्रकरणे त्यामध्ये ठेवली जातात। त्यामध्ये बँकांची कर्जाची प्रकरणे असतील, तसेच स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्टमध्ये कराराची प्रकरणे असतील, खरेदी विक्री संबंधाची ती प्रकरणे आपण त्यामध्ये ठेवतो, मोटर वाहन कायद्याच्या मध्ये ती प्रकरणे आपण ठेवतो, इन्शुरन्स कंपन्यांशी आणि ते सर्व याच्यामध्ये बसून अशा प्रकारे अनेक प्रकरणांचा आपण राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ठेवत असतो व त्यामध्ये जर तडजोड झाली उभय पक्षामध्ये तर दोघांनाही त्याच्यामध्ये विजय होतो, म्हणजे न्यायालयाचा टाईम वेळ त्याच्यामध्ये वाचतो, पक्षकारांचे पैसे त्याच्यामध्ये वाचतात आणि दोघांनाही त्याच्यामध्ये आनंद मिळतो। तर अशा प्रकारे मी सर्व प्रेक्षकांना नागरिकांना विनंती करतो की येणाऱ्या राष्ट्रीय लोक अदालत 13 ऑगस्ट 2022 मोठ्या संख्येने आपण सहभागी व्हा, त्याचा लाभ घ्या आणि न्यायालयामध्ये। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन,
मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। फिर से स्वागत है। जून महीने के पहले 15 दिन खामगांव में तापमान चरम पर था। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से तापमान में गिरावट आई है और बारिश शुरू हो गई है। तालुका में आपदा प्रबंधन प्रणालियों के लिए कदम उठाए हैं। राजस्व ने मानसून से पहले शहर और तालुका में आपदा प्रबंधन प्रणालियों को लैस करने के लिए कदम उठाए हैं। राजस्व विभाग में आज दोपहर तहसीलदार की मौजूदगी में आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। राजस्व विभाग भी तैयार है, अब हर जगह बारिश शुरू हो गई है। इस संबंध में राजस्व विभाग ने तहसीलदार अतुल पटोले के आदेशानुसार आपदा प्रबंधन योजना तैयार की है। इस सिलसिले में तहसीलदार ने कुछ दस्ते भी बनाए हैं। आगामी मानसून की पृष्ठभूमि में यह तहसील कार्यालय में आपदा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया है। पुलिस स्टाफ को विभिन्न विभागों में लगाया गया है। तहसीलदार अतुल पटोले ने भी अभिभावकों से प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सध्या सर्वदूर पाऊस सुरू झालेला आहे। सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे की पावसामुळे ज्याला पूरपरिस्थिती निर्माण होईल किंवा पुलावरून पाणी वाहत असेल अशा वेळेला कोणीही पुराच्या पाण्यामध्ये जाऊ नये किंवा पूल धोकादायक स्थितीमध्ये ओलांडण्याचा प्रयत्न करू नये। तसेच कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती गावामध्ये घडल्यास, कोणतीही घटना घडल्यास त्याबाबत प्रशासनास तात्काळ कळवावे। प्रशासनाकडून या परिस्थितीशी सामना करण्याची सर्व ती तयारी करण्यात आलेली आहे। कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती आली तर प्रशासन सज्ज आहे। मुंबई में मुसलाधार बारिश के चलते अब तक 150 मिलीलीटर बारिश हो चुकी है। मुंबई मौसम विज्ञान विभाग के अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। मुंबई मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। नगर निगम उन गहरे इलाकों में पूरी तरह से सुसज्जित है जहां पानी रुका हुआ था। मुंबई नगर निगम उस जगह पानी पंप से पानी भरने की प्रक्रिया में है। मुंबई में 477 जगह पर डिवाटरिंग पंप लगाई गई। मुंबई के विभिन्न हिस्सों में स्थिति को नगर निगम के आपदा नियंत्रण कक्ष से नियंत्रित किया जा रहा है। महेश नार्वेकर ने कहा है कि मुंबई नगर आयुक्त उपायुक्त के मार्गदर्शन में आपदा प्रबंधन कार्य कर रहा है, साथ ही कोई समस्या हो तो तुरंत संपर्क करें, ऐसी अपील नागरिकों से की है। आज सकाळपासून मुंबईमध्ये काही ठिकाणी जवळजवळ 150 मिलीमीटर पावसाची नोंद झालेली आहे आणि आताच IMD कडून जी आम्हाला वॉर्निंग मिळाली आहे त्याप्रमाणे ऑरेंज अलर्ट त्यांनी पुढच्या 4 दिवसासाठी दिलेला आहे। त्यामुळे मुंबईमध्ये काही सखल भागामध्ये काही वेळापुरतीसाठी पाणी काही ठिकाणी साचलेलं होतं आणि मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, सगळे विभागीय आयुक्त, उपायुक्त सगळे फील्डवर आहेत।
मुंबईमध्ये साधारण 477 ठिकाणी डी वॉटरिंग पंप आम्ही लावलेले आहेत. हे पंपही ऑपरेशनल आहे, 24 तास इकडे माणसं आहेत. नियंत्रण कक्ष आपण बघू शकता पूर्णपणे कार्यरत आहे 24 तास. नागरिकांना कोणत्याही अडचणी असतील तर त्यांनी थेट आमच्याशी संपर्क साधावा, किंवा जर आमचा फोन लागला नाही कारण मोठ्या प्रमाणात इथे फोन येत आहेत, तर विभागीय कंट्रोल रूमसुद्धा 24 तास आम्ही कार्यरत ठेवलेले आहेत. तर वॉर्ड कंट्रोल रूममध्येही ते आपल्या अडचणींसाठी संपर्क साधू शकतात. कोही तालुका में मंगलवार 5 जुलाई को बिजली गिरने से राज रामलाल ठाकरे का 11 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उनके परिवार को विधायक राजू परवे द्वारा सांत्वना दी गई और आज रुपयों का चेक दिया गया. इस दौरान संबंधित अधिकारी, ग्रामीण और कार्यकर्ता उपस्थित थे. रायगढ़ जिले के महाड़ पोलादपुर में भारी बारिश के बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है. इसके चलते विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर आज सुबह तत्काल महाड़ पहुंचे और भारी बारिश से बने हालात का जायजा लिया. महाड़ तालुका के दासगांव में एक बड़ी सुरक्षात्मक दीवार गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है. उस सुरक्षात्मक दीवार के नीचे एक शहरी बस्ती है, इसलिए प्रवीण दरेकर ने तत्काल कार्रवाई करने के लिए तहसीलदार काशिद और अन्य अधिकारियों के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया और वहां के लोगों को तुरंत दूसरी सुरक्षित जगह जाने की हिदायत दी. उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष महेश मोहिते, बिपिन मुहामुनकर, महेश शिंदे, राजेश मोपारा, संजय अप्पा धवले और संदीप थोमरे मौजूद थे. तो बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज. नमस्कार.